नमस्कार, जिमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन कुमार झा। आम बजट पेश करते वक्त भले ही सरकार ने इसे किसानों और ग्रामीणों का विकास बजट कहा हो, लेकिन आम आदमी और अलग अलग तबके के लोग इसे किस तरह देखते हैं, यह जानना दिलचस्प है। जिमसी की टीम ने इस बजट के मिडिल क्लास इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश की। देश में बदलाव लाने यानी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को केंद्र में रखकर लाया गया इस बार का आम बजट आम आदमी और खासकर मध्य वर्ग के लिए कितना फायदेमंद है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप भी सुनिए। जो बजट आया है इसमें कृषि के लिए और खास करके हम आम जनता के लिए बहुत अच्छे बजट है। सब्जी लेने, दूध, बच्चों की पढ़ाई, हर एक चीज पे हमें बहुत प्रॉब्लम। सरकार ने क्या हमारे साथ किया? मोदी सरकार जो बजट लाई है, हम किसान हैं, हमारे लिए बहुत फायदा है। मिडिल क्लास का आदमी जो है उसको कोई खास बेनिफिट नहीं दे पाई सरकार। हालांकि हमें बड़ी उम्मीद थी कि सरकार मिडिल क्लास के लेवल को कुछ बेनिफिट दे पाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा है इस बार का बजट 9 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहले जान लेते हैं कि ये 9 बिंदु क्या हैं। किसानों का कल्याण, गाँव में रोजगार और सुविधाएं, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुगमता, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार। लेकिन ये बिंदु कितने व्यवहारिक हैं और इस बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये भी जान लेते हैं। भारत क्या कृषि प्रधान देश है, तो अगर उनके लिए अगर 50,000 करोड़ का कर्ज है टोटल ऑल ओवर किसानों पे, अगर उनके लिए माफ़ किया जाए सारा, तो बात भी अलग है। कहने और करने में बिल्कुल फर्क है। लास्ट सरकार में भी था, इसमें भी, और आगे भी यही होगा। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ की कॉमन आदमी की इनकम इतनी लिमिटेड है और उनकी इतनी सारी कमिटमेंट है, फैमिली कमिटमेंट, फैमिली लाइबिलिटीज, उसको देखते हुए दिस इज रॉन्ग। फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाऊंगा तो टैक्स हम पहले 14% पे करते थे, अब क्या है कि हमें 16% या 15% पे करना पड़ेगा, वो लेकिन वो बेकार है। टैक्स आप कम करो ना। बहुत बड़ा तबका है जो रेलवे से ट्रैवल करता है, और इस सेक्टर में अपना पैसा देना, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया गया है। दो, ये जो काम होगा वो कुछ अगले 5 साल में हो सकता है, जो हमने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डेडलाइन दी है, उन्हें 2019 और 2020 तक वो चलेंगी। बट जब भी वो आएंगी इस रूप में तो वो इकॉनमी के लिए नहीं अच्छा होगा, बल्कि आम जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। दुनिया भर में आर्थिक मंदी के शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद नहीं थी, हुआ भी ऐसा ही। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण भारत को लेकर बड़ी घोषणाएं ज़रूर हुई, किसानों और गरीबों की बात की गई, लेकिन बजट से मध्यम वर्ग को कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार ने 5 साल में कृषि आमदनी 2 गुनी करने का भी दावा किया है, लेकिन ये किसी भी तरह व्यवहारिक नहीं लगती है। जाहिर है किसानों के लिए बनाए गए इस बजट में आमदनी और उत्पादन बढ़ाने का व्यवहारिक रास्ता तलाशना भी सरकार का ही काम है। जहां तक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात है तो बढ़ी हुई कीमतों को लेकर लोगों की राय भी मिली जुली है। चार्ज बढ़ाया, बस उसी से कस्टमर ऑलरेडी अवेयर थे, तो इसमें कोई खास मेरे को इसमें कोई फर्क नहीं नजर आया कि मेरी बुकिंग्स में कोई गिरावट आई है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गाड़ियाँ अभी भी टॉप वाली बिक रही है। पैसा बढ़ाया है सरकार ने, तो जैसे मैं गाड़ी लेने आया हूँ तो अब 4,000 बढ़ाओ या 5,000 बढ़ाए, मुझे तो लेनी है गाड़ी, तो वो तो लूँगा। हमने गाड़ी खरीदी जैसे 54,000 समथिंग वाइज, ऐसा कुछ मिला था हमें इसका रेट, लेकिन बजट आने के बाद ये हमें मिला 57,800 समथिंग। नॉर्मल जो बजट होता है, नॉर्मल चीज़ें से एक जो जनरल आदमी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। 2,000-3,000 रुपये हमारे लिए, 2,000-3,000 रुपये भी बहुत बड़ी कॉस्ट करती है। 2,000-3,000 रुपये के हिसाब से अगर बाइक ली, इससे बड़ी गाड़ी लेते तो और ज़्यादा अफोर्ड करना पड़ता है। वहीं सोने और हीरे के दाम एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से काफ़ी चढ़ने की आशंका है, इसे लेकर खरीदारों और दुकानदारों में खासी नाराजगी है। इसके खिलाफ व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। जिमसी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।